हे गाइस एंड व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, ये जो स्टोरी है ये झारखंड से है, झारखंड के एक गांव की है। एंड आई जस्ट होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। सो बहुत साल पहले झारखंड के एक गांव जिसका नाम बोकारो है, इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। रघु और निमृता और इनके दो बेटे वंश, जो कि बड़ा बेटा था, और अजय जो छोटा बेटा था, और ये चारों बहुत प्यार से रहा करते थे। इनका एक खुशहाल परिवार था। रघु एक मजदूर था, रोज अपनी मेहनत से जाता था, रोज काम करता था, और जो से रोज के जो दिहाड़ी मिलती थी उसी से ही वो अपना पेट भरता था। वंश और अजय पास के सरकारी स्कूल जाया करते थे। वंश 9th क्लास में था और अजय 5th क्लास में था। रघु अपनी मजदूरी करके रोज शाम तक घर आ जाया करता था, और वो कभी कभी ड्रिंक भी कर लिया करता था। घर आता था, अपने दोस्तों के साथ बैठता था, और जब भी दोस्तों के साथ बैठता था तो ड्रिंक करने लग जाता था। सो ऐसे ही एक रात की बात है जब रघु बहुत लेट नाइट घर आता है। जब घर आता है, उसकी जो वाइफ होती है निमृता, वो गेट खोलती है, वो देखती है कि रघु की हालत बिल्कुल सही नहीं है। उसने ड्रिंक करी हुई है, वो यहाँ वहाँ गिर रहा है, अच्छे से कुछ बात नहीं कर रहा, जिस पे निमृता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। निमृता उसे बहुत सुनाती है और उस रात को तो खाना भी नहीं देती है खाने को। और ये सिलसिला अब कुछ ज़्यादा ही रिपीट होने लग गया था। लाइक हर दिन रघु बहुत लेट आने लग गया था। एक बार तो इतना लेट हो जाता है कि सबको बहुत टेंशन हो जाती है कि भाई ये आखिर गए तो गए कहाँ। निमृता अपने बड़े बेटे वंश को भेजती है कि जाओ अपने पापा को एक बार ढूंढ के लेकर आओ, वो है कहाँ पे। वंश जाता है, ढूंढने जाता है, और 15 मिनट बाद भागते हुए घर आ जाता है। बोलता है कि पापा तो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं तब से, वो बहुत ज़्यादा उन्हें चढ़ गया, वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होने, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ गया उन्हें। अब ये सुनकर निमृता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मतलब एक तो इतने हमारे बच्चे हैं और ये रोज़ इतनी रात को जाना और ड्रिंक करना बिल्कुल सही नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को बोलती है कि तुम घर पे रहो, मैं आती हूँ। और वो जाती है जहाँ रघु बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ, वहीं जाती है और दोस्तों के सामने सुनाती है, बहुत सुनाती है, और सुनाते सुनाते उसे घर ले आती है। जब उसे घर लेकर आती है तो रघु को बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील होता है कि तुमने मेरे दोस्तों के सामने मुझे सुनाया, तू पागल है, ये वो। और इन दोनों के बीच वैसी तू मैं चालू हो जाती है, लड़ाई धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी कि रघु वैसे ही अपने कंट्रोल में नहीं होता, वो वैसे ही नशे में होता है, और वो नशे की हालत में चोर से निमृता को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से निमृता का सर सीधा दीवार पे जाके बसता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। वेल, थोड़े ही टाइम बाद पुलिस आती है। पूरी चीज़ जब वो देखते हैं तो वो रघु को ले जाती है और उसको उम्र कैद हो जाती है। वंश और अजय भी इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, जो कि झारखंड में भी नहीं होता, वो कहीं और ही जाके अब रह रहे होते हैं। वंश और अजय अब बड़े हो चुके हैं, दोनों ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, दोनों बहुत अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और उनकी लाइफ काफ़ी सेटल है। दोनों अच्छा कमा रहे हैं, खुश हैं, और जो पास्ट में जो भी हुआ था वो सब वो भुला चुके हैं। वंश ने तो शादी भी कर लिया एक लड़की से जो कि उसी के ऑफिस में थी। उसी के ऑफिस में वंश को वो लड़की पसंद आई थी, दोनों में प्यार हुआ और अब शादी हो गई है। जो वंश की वाइफ है उसका नाम उमा है, और वंश ने अपने पास्ट के बारे में उमा को कुछ भी नहीं बताया। एक दिन अजय ने वंश को बताया कि गाँव में उनके घर को पड़े पड़े सालों हो गए और उसकी कीमत भी अब बढ़ गई होगी, तो वैसे भी वहाँ पर कोई रहता तो है नहीं, तो क्यों ना हम उस घर को बेच दें। वंश ने भी सोचा कि सही है, थोड़े से पैसे भी आ जाएंगे और उस पैसे से हम अभी यहाँ पर अपना घर खरीद सकते हैं। दोनों भाइयों ने 15 दिन की छुट्टी ले ली और इरादा पक्का कर लिया कि घर को बेचकर ही वापस आएंगे। उमा भी अब जाने की जिद करने लगी क्योंकि शादी के बाद वो लोग कहीं घूमने भी नहीं गए थे, और इसी वजह से दोनों भाई अब उमा को भी साथ ले चलते हैं। अब ये तीनों वापस से अपने गाँव आते हैं बोकारो। अपने गांव सालों बाद वापस आकर उन्हें सब बदला बदला लग रहा था। काफ़ी लोग जो पहले यहाँ रहते थे, उनके पड़ोसी थे, वो सब यहाँ से जा चुके थे। बहुत कम लोग रह गए थे जिन्हें वो जानते भी थे, और क्योंकि वो लोग भी बचपन में यहाँ से चले गए थे तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। अब ये दोनों अपने घर में जाते हैं, घर पूरा खंडहर हुआ पड़ा है, पूरी जगह धूल ही धूल, यहाँ चमगादड़, यहाँ वो जाले जो होते हैं मकड़ी के, वो सब थे। वेल, दो रूम को ये दोनों साफ करते हैं मिलकर, और जब थोड़ा सा साफ़ हो जाता है तो वहाँ पे गद्दे वद्दे रखते हैं रहने लायक, और वहीं पे ही फिर वहाँ रुक जाते हैं। ठीक है, एक रात वहीं बिताते हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी से तैयार होते हैं और ब्रोकर के पास जाते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये घर बिक जाए ताकि इनके पास पैसे आ जाए और ये वापस अपनी ज़िंदगी में लौट सके। वेल, जब ये ब्रोकर के पास जाते हैं तो उमा पूरे टाइम इनसे पूछती रहती है घर के बारे में, ये घर आपका है, आपने मुझे इस घर के बारे में क्यों नहीं बताया, कब से आपका है ये घर, आपने बचपन यहीं बिताया है, वेल ये आपसे पहले किसका था, बस पूछे जा रही है वो इस घर के बारे में। उसको बस इस घर के बारे में जानना था, बट दोनों ही घर के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे थे, दोनों अपने काम से काम रख रहे थे, बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे उसकी इस बातों को। वेल, पूरा ब्रोकर का जब काम हो जाता है तो रात को वापस आते हैं, खाना खा कर ही बाहर ही खाना खा लेते हैं और वापस घर में आके सो जाते हैं। रात को उमा को ऐसा लगता है जैसे कोई तो उसको आवाज़ दे रहा है, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी इसलिए उसने आवाज़ को अनसुना कर दिया।
दूसरे दिन फिर उमा का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो फिर से घर के बारे में पूछने लग जाती है, ये घर इतने टाइम से बंद क्यों पड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ क्यों नहीं आते रहने के लिए, ये ऐसे खंडर क्यों बना पड़ा है, जिसपे अब वंश उसको डांट देता है। अब उमा नाराज होकर छत पे चले जाती है और कई टाइम तक छत पे रहती है। वेल अब रात हो जाती है, उमा अभी भी छत पर ही है। वंश वहाँ पे जाता है और उसे नीचे लेकर आता है और उसे समझाता है कि एक बार ये घर बिक जाए फिर मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। और जब से वंश उमा को नीचे लेकर आया ना, उमा के बालों से एक अलग सी खुशबू आ रही होती है, एक चमेली के तेल की खुशबू। ये वही खुशबू थी जो कि वंश की मम्मी जी के बालों से आया करती थी। वंश जैसे उस खुशबू को सूंघता है, उस खुशबू के बाद वंश को अपनी मम्मी की बहुत याद आने लग जाती है। जब उमा सो जाती है तो वंश उठता है और वो एक तीसरे रूम में चले जाता है, उस रूम में जिसमें वंश के मम्मी और पापा रहा करते थे। वहाँ जाके वो बैठ जाता है और रोने लग जाता है। उसे पता नहीं क्यों बट वो खुशबू की वजह से वो मेमोरीज़ को दबा के रख रहा था अपनी, बट जब उसे खुशबू आती है वो फाइनली नहीं दबा पाता मेमोरीज़ को। वो और मतलब एक तो तुम उसी घर में आए हो जिसमें तुम्हारा परिवार रहता था, जिससे इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, वो वहाँ टूट जाता है, वो रोने लग जाता है वंश वहाँ पर अपनी मम्मी को याद करते करते। वैसे तो उस रूम में हर जगह धूल मिट्टी पड़ी हुई थी बट जो वंश की मॉम की फ़ोटो थी वो एकदम साफ थी। वो बस वंश ने उस फोटो को उठाया ऐसे सीने से लगा के और रो रहा है। एकदम से ही उसे पीछे से आवाज़ आती है कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो। वंश मुड़ के देखता है तो अजय होता है। अजय को वंश बोलता है कुछ नहीं यार, मम्मी की याद आ रही थी। और अजय भी अब वंश के साथ ही बैठ जाता है और दोनों काफ़ी देर तक उसी रूम में बैठ के बातें करते हैं। अब इन सब के बाद जब वंश वापस अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है वहाँ पे उमा नहीं होती है। वंश हर जगह उमा को ढूंढने लग जाता है बट उमा कहीं नहीं मिलती। वंश को लगता है कि सुबह जो उसने डांटा था उमा को उससे वो नाराज़ होकर चली गई है। वंश और अजय अब घर के बाहर उमा को ढूंढने लग जाते हैं बट उमा फिर भी कहीं नहीं मिलती। वंश अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर आकर जब वंश अपने कमरे में गया तो बेड पर उसे उमा दिख रही थी जो कि सो रही थी। और उसने अजय को आवाज़ दी और उमा को उठाया और पूछा कि तुम मुझसे नाराज़ होकर कहाँ चली गई थी। जिस पे उमा कहती है कि मैं तो जब से आपके साथ छत से नीचे आई हूँ मैं तो यहीं कमरे में सो रही हूँ और मैं आपसे कोई नाराज़ नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँगी कहीं पे भी। दोनों भाई एक दूसरे को बड़े ऐसे घबराहट से देख रहे हैं। वेल रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो वंश आके सो जाता है और अजय भी अपना रूम में जाकर सो जाता है। वेल अगले दिन जो ब्रोकर होता है वो इनके घर में आता है, अब क्लाइंट को लेकर आता है। क्लाइंट जिसे ये घर बड़ा पसंद आ गया होता है और उसे ये खरीदना होता है तो ये पेपर साइन करने होते हैं पूरे। और वहीं उमा चाय लेकर आ रही होती है तो ये सब पेपर साइन कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि एकदम से उमा का संतुलन बिगड़ता है और पूरी चाय वो पेपर में बिखर जाती है। जैसे ये होता है वंश एकदम मतलब गुस्से में आ जाता है कि दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया तुम्हारा, तुम कैसे चल रही हो, ये पूरे तुमने पेपर ख़राब कर दिए, ढंग से चलो। अब उमा उस टाइम तो सबके सामने माफ़ी मांग लेती है कि सॉरी मेरी गलती थी, मुझे सही से चलना चाहिए था, बट वंश ने इतना डांटा होता है कि वो अपने रूम में आकर रोने लग जाती है। वेल टाइम बीतता है, ब्रोकर वो क्लाइंट सब जब जाते हैं वंश वापस आता है अपने रूम में और उमा को देख के वो फिर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आज तुमने सबके सामने मेरी इज्जत ख़राब कर दी, तुम ढंग से चल नहीं सकती थी क्या। तो उमा फिर नाराज़ हो जाती है और वहाँ से बस चली जाती है। अब रात हो गई होती है, वंश सो गया है, अजय सो गया है और अजय को ना एक आवाज़ आती है, अजय को आवाज़ आती है कि उमा जो है वो किसी से तो बात कर रही है। अब अगला दिन होता है, अजय उमा से पूछता है कि भाभी जी आप किससे बात कर रही थी इस टाइम पे, मतलब रात के टाइम में। जिस पे उमा बोलती है मैं तो वहाँ सो रही थी, मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। अजय को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि मैंने तो आपको सुना किसी से बात करते हुए। भाभी बोलती है अरे तुम्हें वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सो रही थी, सपना आया होगा, तुम भी छोड़ो इस बात को, लो चाय पियो। शाम होती है और वंश फिर से उमा को डांट देता है, मतलब उमा से ऐसे छोटी सी गलती हो गई होती है जिस पे फिर से वो चिल्ला देता है कि तुम क्या कर रही हो आजकल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम जब से यहाँ आई हो तुम पता नहीं क्या कर रही हो, बस घर के बारे में पूछे जा रही हो, यहाँ वहाँ देखे जा रही हो, काम में ध्यान नहीं लग रहा तुम्हारा, ऐसे करके डांट देता है और ये बोल के चला जाता है वंश। ठीक है, वंश गया फिर से ब्रोकर के साथ, उसके कुछ काम वाम थे और करीबन 2-3 घंटे बाद वो वापस आता है। जब वो वापस अपने रूम में आता है तो वो जो देखता है रूम में आते ही वो हिल जाता है। वो देखता है कि उमा ने साड़ी पहनी हुई है जो कि कभी साड़ी पहनती नहीं थी, उसने साड़ी पहनी हुई है और वो भी वंश के मम्मी की साड़ी पहनी हुई है, अपने पूरे बाल खोले हुए और बालों से बहुत ज़्यादा चमेली के तेल की खुशबू आ रही होती है। और उमा जिसे बिल्कुल भी बंगाली नहीं आती वो वंश को गुस्से में बंगाली में बोलती है कि आज के बाद अगर कभी तूने मुझे डांटा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और उमा जो है वो
पूरी वंश की मम्मी की तरह बोल रही है, पूरी टोन, पूरी आवाज, वो डांटने का तरीका, देखने का तरीका, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उमा है, ऐसा लग रहा था कि वंश की मम्मी सामने बैठी हुई है और वो डांट रही है। वो और बोलती है कि तूने मेरी बहू को क्यों डांटा है, क्या तू ऐसे ही डांटता रहना चाहता है, क्या तू भी अपने बाप की तरह बनना चाहता है, मारना चाहता है इसको अपने बाप की तरह। जैसे ही ये बातें वंश सुनता है, वंश रोने लग जाता है। वंश एकदम से बोलता है कि माँ तुम, और ये यही बातें अजय के रूम तक जा रही थी। अजय ने सब कुछ सुना था। अजय भागते भागते आता है और अजय भी जब उमा को इस हालत में देखता है, ऐसे बोलते हुए सुनता है, तो वो भी समझ जाता है कि उमा के अंदर उनकी माँ आई हुई है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वंश तो बहुत ज़्यादा रो रहा है और तब उमा बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी माँ, तुम्हें यहाँ तुम्हें बताने आई हूँ कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम भी अपने बाप की तरह बन रहे हो, तो आज के बाद कभी भी मेरी बहू को मत डांटना, इनफैक्ट मेरी बहू तो क्या, किसी भी औरत को मत डांटना, और तुम्हारे सामने कोई और भी डांटे या कुछ भी बुरा करे तो विरोध करना उस चीज़ का, मैंने तुम्हें यही सिखाया है, कभी भी अपने बाप की तरह मत बनना। और ये बोलने के बाद वंश और अजय बहुत देर तक उमा के साथ बैठे रहते हैं, या यूं कहो अपने मम्मी जी के साथ बैठे होते हैं, और उन्हें बहुत बातें करते हैं उनके साथ। कुछ समय के बाद उमा बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तो वंश और अजय जल्दी से जाते हैं और उसको पानी वानी पिलाते हैं, जिससे फिर उसे थोड़ा सा होश आता है। जब उमा को होश आया तो उसने बताया कि उस दिन जब वो छत पर गई थी तो वहाँ एक काली परछाई उनके पास आ गई थी और उसे इस घर की सारी कहानी बताने लगी थी, और उस परछाई ने उमा से कहा था कि मुझे अपने अंदर रहने दो, मैं बस अपने बेटों से मिलकर चली जाऊँगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। और उमा जिसने सारी कहानी सुन ली थी वो बस आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो उन्हें इजाज़त दे देती है अपने शरीर के अंदर आने की, और उस दिन से आज तक क्या हुआ था ये इन्हें याद ही नहीं है। मतलब कि उमा के अंदर वो जो वंश की मम्मी थी वो तब से थी, जब पहले दिन वो छत में चली गई थी रूट कर, फिर रात को वापस उसे वंश बनाने आया था, तब से लेकर अभी तक उमा को कुछ भी याद नहीं है। वेल, अगले दिन वंश की ज़िंदगी, या यूँ कहो सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशखबरियाँ आने लग गई। जैसे कि जो घर था वो बिक गया था बहुत अच्छी रकम में, और जो उमा थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने ये न्यूज़ जब अपने पति वंश को बताई तो वंश बहुत ज़्यादा खुश था। ये लोग आशीर्वाद लेने के लिए अपने गांव के ही मंदिर में गए जो कि बहुत फेमस था। अपने जब ये बचपन में थे रोज़ जाया करते थे मम्मी जी के साथ, तो ये वहीं जाते हैं और वहाँ पे जो पंडित जी है वो इन्हें बताते हैं कि जो आपकी मम्मी जी है वही आपके घर वापस आने वाली है एक आपकी बेटी के रूप में। और ऐसे ही होता है, कुछ महीनों बाद उमा एक बच्ची को जन्म देती है और उस लड़की का ये दोनों नाम रखते हैं निमृता। सो गाइस, ये थी स्टोरी जो हमसे रघु ने शेयर करी थी, और रघु भी एक्चुअली उसी गांव में रहता है जिस गांव की ये पूरी स्टोरी है। तो ये स्टोरी रघु के दादी ने रघु को बताई थी एंड रघु अब हम सबसे शेयर कर रहा है। तो थैंक यू सो मच रघु फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबके पास भी कोई स्टोरी है जो आपको शेयर करनी है तो आप दिए गए मेल पर आकर मुझसे स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।